मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की सनावत तहसील में 24 घंटे में मानधाता पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाया, जिसमें मानधाता पुलिस की सीसीटीवी फुटेज ने तीसरी आंख की भूमिका अदा की। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ में लगी है। ओमकारेश्वर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोरुड़का चौकी के पास नहर में अज्ञात 26 वर्षीय युवक का शव 17 सितंबर को पुलिस ने बरामद किया था। थाना मानधाता पुलिस प्रभारी जगदीश पाटीदार ने बताया कि बड़वाह निवासी राहुल उर्फ दगड़ू भवानी राम को बड़खा के ही दीपक पिता गोपाल तंवर और उसके अन्य साथियों को मानधाता पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि दीपक तंवर और मृतक राहुल का विवाद चल रहा था, रंजिश के चलते यह हत्या की गई है। दीपक ने बताया, हम मृतक को समझा रहे थे, इस दौरान उसने चाकुओं से हमला कर दिया। बीच बचाव में अगर मैं अपनी रक्षा नहीं करता तो मुझे मार डालता। राहुल को चाकुओं से गोद कर हत्या करने के बाद एक वर्ल्ड एट नहर में फेंक कर फरार हो गए थे। सनावत से प्रभु दोगाया की रिपोर्ट। उधर रखी हुई है तो इसको नहर तरफ लेके गए तो साहब इससे बस पूछताछ कर ही रहे थे, इतने में तुमने चाकू निकाला और मारना शुरू कर दिया तो मेरे को अंगली पे लग गई थी। तो साहब फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ, उसका चाकू निकाला और उसको फिर बस खोजते गए, बाकी सब उसको चाकू उसको खोजते रहे और उसको फेंक दिया। मैंने कहाँ फेंक दिया? नहर पर। और कौन था साथ में? साथ में और कोई नहीं था, फेंकने में नहीं। वहाँ से जो झगड़े हुए थे वहाँ कहाँ पे? इधर जो कैमरे में दिख रहा है तुम लोग। कैमरे में नहीं था सर, पता लगा था भाई वो दगड़ू तो बोले तेरी गाड़ी बता रही आएगा, बोले वहाँ नहर पे, तो बोले तू भी आ जा। तो तीन तीन मोटरसाइकिलों से जब ढूंढ रहे थे मोटरसाइकिलों से। हाँ, और कौन कौन लोग थे? और तो पता नहीं सर, ये दो थे। कौन कौन? ये भाई उन्होंने ये जो बंदर। हाँ, तो इनको बताया, बोले गाड़ी बोले उधर खड़ी हुई है अपनी, बोले चलो। इस कारण दीपक तंवर सर। तो इधर से तो मेरा हाथ कैसा पकड़ा तुमने? हाथ पे मार दिया था मेरा चाकू। तो फिर तुमने छीन के तुमने उसे तो उसका चाकू फिर मैंने उसके घोद दिया। घोद दिया? पता नहीं सर, आठ दस जने थे बाकी। इसकी एक पुराने मर्डर केस में राजू बाउंसर नाम का लड़का जो गत वर्ष उसकी हत्या बड़वान हुई थी उस केस में पेशी थी, उसमें दीपक नाम का लड़का गवाही देने गया था। ये राजू बाउंसर नाम के जो मर्डर हुआ है उसमें जो आरोपी हैं ये हमारे राहुल दगड़ू के दोस्त थे, वो आरोपी थे। तो राहुल दगड़ू ये चाहता था कि गोपाल दीपक पिता गोपाल तंवर ने उस केस में गवाही क्यों दी, उसको चमका रहा था दो चार महीने दो महीने से। इसी बात को लेकर के वो राहुल उर्फ दगड़ू जो जिसकी हत्या हुई है वो इसको चमका रहा था दीपक को कि तूने उसमें गवाही क्यों दी और तेरे अन्य साथियों के ना गवाही देने नहीं जाए, नहीं मैं तेरे को निपटा दूंगा। इसी बात की रंजिश थी, इसी बात को लेकर दीपक ने उसकी हत्या की है। उसके साथ में उसके साथ में जो लोग गए थे मोटरसाइकिल चोरी की भी उनके ऊपर वो शंका थी, उसको लेकर के शिबू कंडेरा पुष्पेंद्र राजपूत शुभम ये लड़के सब मिल करके उसको गए थे। वहां पर दीपक नाम के लड़के ने उसकी हत्या की है और दीपक को हमने गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ और कितने आरोपी गिरफ्तार हुए? अब ये तो गिरफ्तारी की बात बाद में चलेगी, एक दूसरे से हम कंप्लेंट पूछेंगे कौन कौन लोग साथ में थे, उस आधार पर मुलजिम बढ़ते जाएंगे जैसा भी होगा, आगे की स्थिति विवेचना में स्पष्ट हो पाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। विदिशा जिले में पर्युषण पर्व के पावन अवसर पर 10 लक्षण धर्म की आराधना की गई। 14 सिद्धांत ग्रंथाधिराज में से 5 ग्रंथों की नियमित वाचना चली। इन ग्रंथों का विधिवत तिलक कार्यक्रम हुआ। तिलक के लिए सुबह से ही चैत्यालय में तैयारियां चल रही थी, जिसमें घर घर से विभिन्न तरह से आरतियों को आकर्षक साज सज्जा कर लाया गया था। पंडित जी ने तिलककर्ताओं के हाथों में चंदन से स्वास्तिक बनाकर अध्यात्म वाणी को सिर माथे रख कर श्री वेदी जी की परिक्रमा कर अस्थाप कराया। संगीतमय बड़ी मंदिर विधि की गई, जिसमें जमकर चवन नृत्य किए गए। पर्युषण पर्व के दौरान चली विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में माता बाग मंदिर समिति कुरवाई द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मां 51 शक्ति पीठों से पावन ज्योति लाकर भक्ति की ज्योतियां प्रज्वलित की जा रही है। इस बार समिति द्वारा मां ज्वाला देवी, मां चिंतपूर्णी, मां कांगड़ा देवी, मां नैना देवी हिमाचल प्रदेश से ज्योति लाने का संकल्प लेकर समिति के सदस्य स्पेशल ट्रेवल से रवाना हो गए हैं। समिति सदस्य वृंदावन अमृतसर से होकर ज्योति लेकर दिनांक 28/9/2019 को कुरवाई में प्रवेश करेंगे। समस्त यात्रियों का पुष्पहार से स्वागत पूर्व विधायक द्वारा किया गया। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। भारत में और भारत के बाहर 51 शक्तिपीठ हैं जो माँ भगवती के सिद्ध स्थान है। माता बाग मंदिर समिति का प्रयास रहता है कि उन्हीं 51 शक्तिपीठों से माँ की दिव्य ज्योतियों को प्रतिवर्ष लाया जाए। इस वर्ष माता बाग मंदिर द्वारा 51 शक्तिपीठों में से ज्वाला देवी, नैना देवी, कांगड़ा देवी और चिंतपूर्णी इनकी दिव्य ज्योति को लाने के लिए माता बाग मंदिर समिति सदस्य आज कुरवाई से ज्वाला देवी को प्रस्थान कर रहे हैं। ये यहाँ से जाएंगे वृंदावन, वृंदावन से अमृतसर, अमृतसर से कांगड़ा, कांगड़ा से नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला देवी और वहाँ भगवती की ज्वाला को लेकर के आएंगे और उस ज्वाला से कुरवाई नगर में करीब 350 से 400 की लगभग ज्योतियाँ जलती हैं। उसी माँ की पावन ज्योति से ज्योति जलेंगी और 28 तारीख को सुबह 9 बजे विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। माँ की बहुत भीड़ होगी और इसके बाद ये माँ मंदिर में आके स्थापित हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। विदिशा जिले के मंडी बामोरा प्रशासन चाहे लाख दावे करे मगर हकीकत यही है कि नगर के अस्पतालों में आम जन को आज भी बेहतर चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कभी संसाधनों का अभाव तो कभी चिकित्सा कर्मियों की लापरवाही। आलम यह है कि यहां सुबह के समय इलाज के अभाव में एक मरीज की मौत हो गई। 1 घंटे तक तड़पता रहा मरीज मगर उसे देखने के लिए ना तो कोई डॉक्टर था और ना ही वहाँ मौजूद स्टाफ ने कोई ध्यान दिया। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बना यह अस्पताल केवल एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। पर्याप्त स्टाफ ना होने का हवाला देकर अधिकारी कर्मचारियों द्वारा पल्ला झाड़ दिया जाता है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। 1 घंटे से 1 घंटे तो यहाँ पर कोई मिला आपको? नहीं। क्या मामला है? मामला मरीज की हो, टैक्सी में लेके आए, इधर छोड़ के टैक्सी चली गई, हम यहीं बैठे, अब कोई डॉक्टर नहीं मिले, कौन से? तो आपने किसी से नहीं बोला पहले? नहीं। तो मरीज की हालत पहले कैसी थी? जैसी मैंने थोड़ी सांस ले रहा था। हाँ, मैं चल के आया ना पहले। नहीं, चल के नहीं आया, ऑटो से आया। ऑटो से? हाँ। मतलब डॉक्टर के अभाव में हुआ ये सब? नहीं, डॉक्टर नहीं थे इसलिए, नहीं तो डॉक्टर होते तो। हाँ, तो डॉक्टर होते तो यहाँ पर जान बच जाती। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। इंदौर नगर निगम का यशवंत सागर बांध अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। यशवंत सागर बांध सकड़ा होने के कारण हर बार जाम की स्थिति बन जाती है। यहाँ पर जगह जगह पर गड्ढे और अतिक्रमणकारियों का जमावड़ा बन चुका है। इसके कारण लोगों को वाहनों से आवागमन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस रास्ते से सैकड़ों जनप्रतिनिधि व देपालपुर तहसील मुख्यालय के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी जाते हैं। कई बार देपालपुर क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्र मंत्री, सांसद, विधायक दौरा कर चुके हैं। इन्हें भी यहाँ की मूल समस्याओं के बारे में पता होने के बाद भी यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं करवा पा रहे हैं। वहीं इंदौर नगर निगम महापौर मालिनी गौड़ और निगम कमिश्नर आशीष सिंह भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि इंदौर शहर के पश्चिमी क्षेत्र में पीने का पानी यशवंत सागर बांध से ही आपूर्ति किया जाता है। वहीं जब क्षेत्रीय सांसद शंकर लालवानी से चर्चा करने पर उन्होंने बताया
कि इस संबंध में जल्द ही अधिकारी के साथ मीटिंग लेकर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। देपालपुर से विशाल चांदला की रिपोर्ट। देपालपुर जाता है और ये बात सही है कि उसका ट्रैफिक वहाँ बढ़ा है, तो विकल्प के रूप में क्या हो सकता है वो हम चिंता कर रहे हैं ताकि आ जाता है सुगम बना रहे। और बारिश के दिनों में कभी कभी रोडों पे गड्ढे भी हो जाते हैं, ये भी शिकायत आई है, तो हम नगर निगम से कह के और जो संबंधित विभाग है उनसे कह के इस बात को रिपेयर कराने के लिए कहेंगे ताकि आम लोगों को परेशानी नहीं हो। इसके लिए जहां तक बात है वो विकल्प पे चल रही चर्चा, क्योंकि एक तरफ बांध है और उसी पे ये सड़क बनी हुई है, क्या हो सकता है टेक्निकली हम करेंगे ताकि आने वाले दिनों में इस पर ट्रैफिक और बढ़ेगा। निश्चित तौर पे होना चाहिए पर किस विकल्पों पे होना चाहिए ये बात करके शीघ्र निर्णय लेंगे। तो देख के तो वो पर्यटक स्थल है ही सही, और बारिश के दिनों में तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे लगता है कि उसमें और सुविधा अगर जोड़ दी जाए तो मुझे लगता है और ज़्यादा पर्यटन वहाँ आएंगे। और क्या क्या हो सकता है इसकी योजना बना रहे हैं और इस पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। शहीद समरसता मिशन द्वारा महाकाल की नगरी उज्जैन में जिले के 12 शहीद परिवारों का सम्मान समारोह विक्रम कीर्ति मंदिर ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल गुरमीत सिंह, भगवताचार्य दिनेश व्यास, नीलकंठ धाम घटवास, कर्नल आशीष मंगरुलकर और शहीद समरसता मिशन के प्रेरणा स्रोत और संस्थापक मोहन नारायण मौजूद रहे। पिछले 3 दशक से समाज की उपेक्षा का शिकार रहे जिले के शहीद परिवारों का मिशन द्वारा ऐसा स्वागत किया गया जो कई दशकों तक याद किया जाएगा। दरअसल मिशन के साथियों द्वारा मौजूद शहीद के माता पिता और परिजनों का गंगा जल से पैरों को धोया गया। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि इस मौके पर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल गुरमीत सिंह रीटा भी अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने भी मिशन के संस्थापक मोहन नारायण के साथ पाद प्रक्षालन किया, जिसके सैकड़ों राष्ट्रभक्त साक्षी बने। साथ ही मिशन द्वारा शहीदों के परिजनों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस मौके पर डिप्टी जनरल गुरमीत सिंह ने युवाओं को अपने चित परिचित अंदाज में संबोधित किया। उन्होंने मिशन की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 15 अगस्त के दिन मिशन शहीद की वीरांगना को बंगला नुमा घर उपहार में देना और वीरांगना को हाथों की हथौलियों पर गृह प्रवेश करवाना उनके जीवन के सबसे भावुक क्षणों में से एक था। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। और इसकी जो आवाज है ना, कम से कम इस्लामाबाद, कम से कम बीजिंग, और बहुत नम्रता से, बहुत हम्बलनेस से स्वर्गों में हमारे जो 12 वीर बैठे हैं ना, वो अवश्य यहां थे, वो 12 वीर यहां थे। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि वो 12 परिवार, 12 शहीद यहां थे। कोई है जिसको विश्वास नहीं है कि यहां नहीं थे? हम सबको, पूरे समूचे परिवार को है कि आज तो अवश्य वो हमारे बीच में थे। तो उनको नमन करते हुए एक बार भारत माता की जय बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने भारत माता के लिए ही अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो गला एक बार फिर साफ कीजिए। भारत माता की, भारत माता की। देश पर मर मिटने वाले अमर बलिदानियों के सम्मान और उनके गौरव की समाज में एक भाव जागरण करने का काम शहीद समरसता मिशन पिछले 12 वर्षों से शहीद भगत सिंह जी की जन्म शताब्दी वर्ष 2007 से करता आ रहा है। उसी कड़ी में प्रदेश भर के कई शहीदों के सम्मान समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिसमें शहीदों की वीरांगनाओं के, उनके माता पिताओं के पैरों को गंगा जल से धोकर उनका वंदन किया जाता है कि उनके बलिदान के कारण देश टिका हुआ। ऐसा कार्यक्रम अभी उज्जैन में हुआ, 12 शहीद परिवारों का सम्मान और उनकी वीरांगनाओं का पाद प्रक्षालन, ऐसा अभी काम। और संस्था के आगे क्या क्या योजना है? अभी उज्जैन चैप्टर जो है, उस उज्जैन चैप्टर ने 2 बड़े अभियान अपने हाथ में लिए, वन चेक वन साइन फॉर शहीद
उसमें शहीद गजेंद्र सुरवे जी, उनके पास अपना कोई मकान, निजी मकान नहीं है, चाल की जगह में रहते हैं और उसके नोटिस उनको लगातार मिल रहे हैं जी। तो उनको एक भवन निर्मित करके देना, ये एक अभियान लिया है। उसके हमारे संयोजक प्रदीप दत्तोदिया जी रहेंगे जी। ग्रामीण में बड़नगर के धर्मेंद्र बारिया जी हैं, उनके एक स्मारक स्तर जिस विद्यालय में वो पढ़े उसका नाम उनके नाम से, उसके लिए कैंपेन चलाने की घोषणा की। क्या नाम? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। उज्जैन आर्थोपेडिक सोसाइटी और MP चैप्टर IO के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 20, 21 और 22 सितंबर को स्थानीय अंजुश्री इन में राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। कॉन्फ्रेंस मीडिया प्रभारी डॉक्टर महेश मर्मट ने बताया कि शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट द्वारा किया जाएगा। आयोजन के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, अध्यक्ष IOA नई दिल्ली, और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव, सचिव IOA होंगे। सम्मेलन के आयोजक डॉक्टर जितेन भटनागर एवं सचिव डॉक्टर अजय खरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस 3 दिवसीय चिकित्सा कुंभ में देश के कई विशेषज्ञ प्रमुख रूप से शामिल होंगे। इस महासम्मेलन में जोड़ प्रत्यारोपण, मेरुदंड और अस्थि रोग की विकृतियों पर 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिनमें प्रख्यात अस्थि रोग विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। करीबन 15-16 वर्षों के बाद उज्जैन शहर में यह मौका आया है कि राज्य स्तरीय ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस MP स्टेट आइकॉन ये उज्जैन में संपन्न होने जा रही है। काफ़ी लंबे समय के बाद में यह मौका आया है। ये 3 दिवसीय महासम्मेलन उज्जैन में होने जा रहा है, जिसका 20 तारीख को शुभारंभ है। शुभारंभ माननीय स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम जी सिलावट मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जाएगा। ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में 3 अलग अलग कार्यशालाएं आयोजित की गई है। अलग अलग किस्म के शोध पत्र अलग अलग प्रतिनिधियों द्वारा पढ़े जाएंगे और अलग अलग पेपर प्रेजेंटेशन अलग अलग प्रतिनिधियों द्वारा किए जाएंगे। 3 कार्यशालाओं में एक मेरुदंड की कार्यशाला होगी, जिसे हम स्पाइन वर्कशॉप कह सकते हैं। एक विकृति से संबंधित कार्यशाला होगी और एक होगी जोड़ प्रत्यारोपण की कार्यशाला। तो इन 3 कार्यशालाओं में सीधे सीधे भी कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ डेड बॉडीज़ पे सीखने को मिलेगा और कुछ पेपर वर्क पे सीखने को मिलेगा। तो इनमें जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वह जाने माने सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स द्वारा दिया जाएगा, जिसका कि लाभ वे लोग जो कि इस प्रकार की चीज़ों से वंचित रहे हैं या फिर जो इन चीज़ों के बारे में सीखना चाहते हैं उनको मिल पाएगा। ये जो सम्मेलन है ऑर्थोपेडिक कॉन्फ्रेंस, ये होटल अंजुश्री इनमें संपन्न होने जा रहा है और कार्यशालाएं 3 अलग अलग जगह होगी। स्पाइन की जो कार्यशाला है वो RD मेडिकल कॉलेज में होगी। जॉइंट रिप्लेसमेंट की जो कार्यशाला है वह CHL हॉस्पिटल में होगी और विकृति से संबंधित जो कार्यशाला है वह होटल अंजुश्री इनमें होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले के सेगांव में माताजी मंदिर के सामुदायिक भवन देवी श्री लाल भाई फुलबाई मंदिर समिति की आवश्यक बैठक का आयोजन समिति के अध्यक्ष हीरालाल पाटीदार की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से कई आवश्यक निर्णय लिए गए। मंदिर में फोटो व सेल्फी नहीं खींची जा सकेगी, फिर भी अगर कोई फोटो कैमरे व मोबाइल से फोटो व सेल्फी या वीडियो शूटिंग करते पाया गया तो उसकी खैर नहीं, मौके पर ही कैमरा व मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। इस मौके पर निर्माणाधीन कमरों के लिए स्वर्गीय बंशीलाल शर्मा की स्मृति में 1,00,000 रुपये की दान राशि का चेक समिति को सौंपा गया। बैठक में समिति सदस्यों के साथ गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। मंदिर परिसर की मासिक बैठक आज आयोजित की गई थी। बैठक में 5 कमरों का जो निर्माण किया जाना है उस निर्माण के संबंध में चर्चा हुई। साथ ही मंदिर परिसर में सेल्फी और कैमरे पर आज से प्रतिबंध लगा दिया गया है और
मंदिर परिसर में जो 5 कमरों का निर्माण हो रहा है उसमें 1,01,000 रुपये की राशि मंदिर के पुजारी संतोष जी शर्मा की ओर से उनके पिताजी की स्मृति में मंदिर कमेटी को दान किए गए। सेल्फी पर क्यों प्रतिबंध लगाया गया? बहुत सी जगह लोगों की ये शिकायत रही है कि जब सेल्फी लेते हैं तो वहाँ जो दर्शनार्थी परिवार रहते हैं उन परिवारों की भी फोटो आ जाती है जो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से वो कहीं ना कहीं चलती रहती है। लोगों का उस पर गुस्सा था कि इस प्रकार की फोटोएँ बार बार फेसबुक और सेल्फी के माध्यम से आती है, तो उस पर रोक लगाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिले में अवैध मदिरा कारोबारियों की अब खैर नहीं। सहायक आयुक्त आबकारी पराक्रम सिंह चंद्रावत और खरगोन कलेक्टर गोपाल चंद्र डार ने जिले भर में विशेष अभियान चलाकर अवैध मदिरा निर्माण और विक्रय पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत जिले भर में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इसी के चलते आज कसरावत तहसील के ग्राम गोपालपुरा में आबकारी अधिकारी द्वारा मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई, जिसमें कपिल उर्फ पिंटू के घर पर भारी मात्रा में शराब होना बताया गया था, जिसके तहत दबिश की कार्रवाई की गई, जिसमें मौके पर कपिल के पिता दिनेश और माता रमाबाई को गिरफ्तार किया गया। वहीं कपिल मौका देखकर फरार होने में कामयाब हो गया। आबकारी अधिकारी ने मौके से 350 पाव प्लेन देसी मदिरा, 50 पाउच कुल 72 लीटर मदिरा जब्त कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। कलेक्टर महोदय श्री गोपाल चंद दाट एवं सहायक आबकारी श्री पराक्रम सिंह चंद्रावत के आदेश के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत आज मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गोपालपुरा में पिंटू उर्फ कपिल के यहाँ भारी मात्रा में शराब रखी हुई है। दल पहले से ही गठित थे। सूचना की कार्रवाई मिलते ही ग्राम में कपिल के घर पर पहुंचे। उसके पिता सिराज दिनेश, पिता छीतू, उसकी माता रमाबाई, पिता दिनेश मौके पर मिले। घर की तलाशी ली गई। इस दौरान 350 पाव देसी प्लेन मदिरा के बरामद हुए एवं 50 पाव विदेशी मदिरा के बरामद हुए। कुल 72 लीटर मात्रा में शराब जब्त की गई। इसी दौरान पिंटू उर्फ कपिल मौके से फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी करना सह से प्रकरण विवेचना मिल जाएगा। कोई आरोपी इसके अलावा पकड़े गए? अभी 2 आरोपी हमारे हिरासत में और पिंटू फरार है। कौन कौन है 2? दिनेश पिता छीतू एवं रमाबाई पिता पति दिनेश। सर शराब की कीमत कितनी होगी लगभग? शराब की कीमत है 25,000 जी। और लगातार ऐसी ही कार्रवाई चलती रहेगी क्या? कार्रवाई अभियान चल रहा है, कार्रवाई लगातार चल रही है और प्रभारी कार्रवाई हो रही है। सर जैसा कि अभी 6 महीने 7 महीने पूर्व में भिलगांव में जो 42 लाख रुपए की शराब खरगोन जिले में बड़ी मात्रा में पकड़ी गई थी भिलगांव में, उसके बाद में कोई बड़ी कार्रवाई अब तक की हुई नहीं है सर? बड़ी कार्रवाई हो रही है, लगातार बड़े बड़े प्रकरण बन रहे हैं और भिलगांव के लिए भी अभी तैयारी चल रही है। भिलगांव में फिर शुरू हो चुकी है, भिलगांव में फिर भी बड़े स्तर पर कारोबार। पुलिस फोर्स का सहयोग लेकर बड़ी कार्रवाई जरूर होगी। आपका पूरा नाम सर? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। म-
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ग्राम देवली के किसानों ने अधिकारी के सामने खराब फसलें दिखाकर मुआवजे की मांग की है। किसान की पीड़ा को नजरअंदाज कर डिप्टी कलेक्टर सत्येंद्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर खरे ने किसानों के प्रति असंवेदनशीलता दिखा दी। अधिकारियों ने किसानों की पीड़ा सुनकर मुआवजे के आश्वासन के मरहम के बजाय दो टूक कर दिया कि प्रदेश भर में अतिवृष्टि से फसलें खराब हो गई हैं। किसानों ने फसल बीमा पर भी सवाल खड़े कर दिए। अपनी खराब फसलों को खेतों से उखाड़ने की नौबत जताते हुए अपनी पीड़ा भी सुनाई। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कमलनाथ की सरकार जब से बनी है किसानों की निरंतर अनदेखी हो रही है। किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए, न तो उनको समर्थन मूल्य प्राप्त हो रहा है, न बोनस मिल रहा है फसलों का, और अभी जो बारिश के कारण जिले में अधिक बारिश हुई है इसके कारण फसलें सड़ गई है। मिर्ची की फसल में जड़ सड़न रोग लग गया है, कपास के घेटे जो उसका फल है वो सड़ रहा है, मक्का की फसल में इल्लियों का प्रकोप हो गया है। और अधिकारी बस एक ही आश्वासन देते हैं, जो भी यहाँ पर आ रहा है जिला मुख्यालय पर उनको बोल देते हैं हमने टीम बना ली है, हमारी टीमें बन गई है। तो भैया टीमें बन गई तो क्या अचार डालने के लिए बनाई है क्या? जमीनी स्तर पर टीम नजर नहीं आ रही। जमीनी स्तर पर कोई अभी तक आकलन के लिए नहीं गया है। नुकसान निरंतर हो रहा है और किसानों के आंसू थम नहीं रहे हैं, किसानों का दुख देखा नहीं जा रहा है। ऐसी निकम्मी और निकृष्ट सरकार जिसने आज तक जो किसानों की अनदेखी कर रही है, तबादलों में लगी हुई है, माल बटोरने में लगी हुई है और किसान बदहाली के कगार पे पहुंच गया। मंत्री तीन दिवसीय दौरे पर यहाँ पर हम देखे था, भाजपा भी कल से किसानों के हित में मैदान में उतरे, कैसे देखे इसे? जो किसानों की पीड़ा है वो आप राजनीतिक स्वरूप लेती जा रही है। देखो भाजपा ने जब से आंदोलन की घोषणा की है कल हम प्रत्येक विधानसभा मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। किसानों के हित में हम धरना देंगे और हम ज्ञापन देंगे ताकि ये सोई हुई सरकार जाग जाए। और ये तो दिखा हुआ है, ये जो भाजपा का आंदोलन देख के मंत्री संतरी और ये अब किसानों के खेत की ओर जाने का मन बना रहे हैं, लेकिन ये केवल एक दिखावा है। और बड़ा मुद्दा सामने आया है कि किसानों की फसलें जो बोई है उसके अतिरिक्त तो दूसरे फसलों का बीमा होता है, एक असामाजिक स्थिति जिससे बीमा नहीं मिलता है। देखो बीमा कंपनियों ने घर पर बैठकर अपने ऑफिसों में बैठकर किसानों के सर्वे के मुताबिक काम न करते हुए मनचाहा बीमा कर लिया है। किसान ने जो फसल बोई है वो उनके बीमे में है ही नहीं। उन्होंने मिर्ची बताई है, किसान ने कपास बोया है, किसान ने कपास बोया है वहाँ मिर्ची बताई। तो किसानों को बीमा कंपनियों से मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलेगा, लेकिन जो सरकार है, जो सोई हुई सरकार है, वो जरा थोड़ा जाग जाए और किसानों के लिए कुछ करे ताकि उनको किसानों की कुछ दुआएं मिले। आरोप लग रहे हैं इस तरह के हालात तो प्रदेश में जब भाजपा की सरकार थी तब भी ऐसी स्थिति बनती थी, किसानों का यही रोना था। हालात सरकार बदल गई लेकिन हालात नहीं बदले हैं। देखो ये बीमा कंपनियाँ जो होती है वो व्यवसाय के लिए उतरी है, ये तय बात है। हमारा फर्ज बनता है, चूँकि हम आज विपक्ष में, हमारा फर्ज है कि हम किसानों के हित में निरंतर लड़ाई लड़ें। यदि बीमा कंपनियों से किसानों को मुआवजा मिलता है तो वो दिया जाए, और यदि बीमा कंपनियां नहीं दे पा रही है तकनीकी कारणों से या कुछ कागजी कारणों से, तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि सरकार किसानों को उचित मुआवजा दे ताकि वो बर्बादी के कगार से बच सके। आज यहाँ पर किसान आए थे, उन्होंने खुद ने कहा कि हमारे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो क्या ये किसानों को मारना चाहती है कि ये सरकार कमलनाथ की सरकार क्या ये तय करके बैठी है कि किसान आत्महत्या करे उसके बाद हमारे मंत्री संतरी बाहर निकलेंगे और हमारे अधिकारी बाहर निकलेंगे और सर्वे करेंगे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के खरगोन में कैबिनेट कृषि राज्य मंत्री सचिन यादव ने अतिवृष्टि के कारण खराब हुई फसलों को देखा। कृषि मंत्री यादव ने माना प्रदेश भर में अतिवृष्टि के कारण प्राथमिक रिपोर्ट में 15 लाख फसलें प्रभावित हुई हैं, करीब 10,000 करोड़ का किसानों का नुकसान हुआ है। सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए हैं। लगातार बारिश के कारण जिले भर में जल भराव के कारण कपास और मक्का की फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है, हजारों हेक्टेयर फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। इसके चलते किसानों में निराशा और सर्वे ना होने से जिला प्रशासन को लेकर रोष है। अतिवृष्टि के कारण खराब हुई फसलों का जायजा लेने कैबिनेट कृषि राज्य मंत्री सचिन यादव कसरावद विधानसभा के रेगवा साईखेड़ी गांव पहुंचे। उन्होंने कपास के खराब और काले हुए घेटे देखे। किसानों ने मक्के के भुट्टों पर इल्लियां होने की जानकारी भी दी। मंत्री के किसानों के खेतों तक पहुंचकर जायजा लिया।
अतिवृष्टि के कारण जिले भर में फसलें चौपट हो चुके हैं। इसके चलते भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में कई किसान कपास और मक्का फसल पौधे लेकर डीएम दफ्तर पहुंचे। खराब हुई फसलों का सर्वे कर मुआवजा देने की मांग करते हुए किसानों ने चेतावनी भी दी। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, विगत दिनों अतिवर्षा के कारण हमारे मध्य प्रदेश के विभिन्न कोनों में, विभिन्न जिलों में हमारे किसान साथियों की फसलें प्रभावित होने की खबरें हमको प्राप्त हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं जो है पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और समय समय पर आवश्यक दिशा निर्देश जो हमारे जमीनी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हमने कलेक्टरों के मार्गदर्शन में जो है हमने दलों का गठित किया है, जिसमें हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, हमारे पंचायत के अधिकारी उसमें सब शामिल रहेंगे। हमारे जो बीमा कंपनी है जो जिस क्षेत्र में काम कर रही है, उन बीमा कंपनी के अधिकारियों को भी हमने सचेत कर दिया है और लगातार सब लोग मिलकर के जो फसलें प्रभावित हुई हैं उनका सर्वे करने का काम जो है किया जा रहा है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। अभी जो प्रारंभिक जो आंकड़ा हमारे पास में आया है, प्रारंभिक जो रिपोर्ट हमारे पास में आई है, पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 15 लाख हेक्टेयर जो है हमारे किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं और लगभग 10,000 करोड़ का जो है किसानों की फसल नुकसानी का आकलन जो है हमारे पास में आया है। हमने केंद्र सरकार से मांग करी है कि इस आपदा के समय में, इस संकट के समय में जो है केंद्र सरकार हमें आर्थिक सहायता प्रदान करे, विशेष पैकेज हमको दे ताकि हम हमारे प्रदेशवासी और हमारे किसान साथियों के को उनको राहत पहुंचा सके, उनको पर्याप्त हम उनको उनकी फसल नुकसानी का जो है मुआवजा। आज केंद्रीय दल भी आया है, मंदसौर जायजा ले रहा है, उसके बाद में मुख्य सचिव के साथ में उनकी बैठक भी भोपाल में। देखिए, लगातार जो है सरकार बड़ी संवेदनशीलता के साथ में जो ये एक ये आपदा जो हमारे पर प्राकृतिक आपदा हमारे प्रदेश में आई है और पिछले 16 साल का वर्षा का जो सारे रिकॉर्ड हैं वो सारे रिकॉर्ड जो है इस बार टूटे हैं, तो पूरी सरकार जो है हमारे प्रदेशवासियों को, हमारे किसान साथियों को कैसे हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। बड़वानी जिले के ग्राम मरसिंडिया में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने से 2 भैंसों की मौत हो गई। घटना स्थल पर मार्ग न होने और बीच में पड़ने वाले नाले में अधिक पानी होने से पंचनामा बनाने पहुंचे बीजासन चौकी प्रभारी कमलेश सावनेर और आरक्षक अभय सिंह भुरिया को काफी मशक्कत करनी पड़ी और पैदल नाला पार घटना स्थल तक पहुंचे। बीजासन चौकी प्रभारी ने बताया कि मरसिंडिया निवासी मोहन पिता छगन लाल उम्र 22 वर्ष ने सूचना दी कि मेरी 2 भैंसों पर बिजली गिरी जिससे उनकी मौत हो गई। मोहन ने बताया कि गुरुवार को दोपहर 1 बजे के करीब बारिश हो रही थी, तभी अचानक जोर से आवाज के साथ मेरे मकान के पास बने भैंसों के तबेले में बिजली गिरी जिससे वहां बंधी मेरी दोनों भैंसों की बिजली गिरने से मौत हो गई। मेरी दोनों भैंसों की कीमत लगभग 1,80,000 के करीब थी। चौकी प्रभारी कमलेश सावनेर घटना स्थल का जायजा लिया और पंचनामा बनाया, वहीं पटवारी और पशु चिकित्सक को सूचना दी। बड़वानी से अतुल कुमार की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन जिला मुख्यालय के कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास की 2 छात्राएं बिना बताए मंगलवार शाम को छात्रावास से अपने गांव बंडियापुरा के लिए पैदल ही निकल गई, जिन्हें खरगोन से करीब 8 किलोमीटर दूर बरूड फाटे पर राह चलते लोगों ने रोते बिलखते देख उनसे पूछताछ की और ऊन थाने ले आए, जिसकी खबर लगते ही छात्रावास की अधीक्षिका भी ऊन थाने आ गई। इस पूरे मामले की खबर जब खरगोन SDM अभिषेक गहलोत को लगी तो वह भी तत्काल ऊन थाने पहुंच गए, जहां बच्चों से पूछे जाने पर उन्होंने पूरी सच्चाई बताई। बेटा, पापा मम्मी से मिलने की याद आ रही थी या ऐसे टीचर ने परेशान कर दिया?
घर की याद आनी थी तो टीचर को बता देते बेटा टीचर करवा देती घर में बिल्कुल नहीं लिखते क्यों आए। अधीक्षिका अंकिता खेड़े का कहना है कि मैं अभी एक माह पूर्व ही छात्रावास में आई हूं और मैंने पीछे खुले हुए रास्ते की शिकायत भी की है, तो वहीं वे खुद को इस पूरे मामले से बचाते हुए नजर आई। अब सवाल यह उठता है कि छात्रावास की जिम्मेदारी अधीक्षिका की ही होती है और उनके द्वारा यह कहना कि मैं रात को बच्चों को खाना खिलाकर घर चली जाती हूँ और बच्चों का पिछले दरवाजे से या यूं कहें कि पीछे के रास्ते से भाग जाना एक बड़ी दुर्घटना को न्योता देता है। कितनी है सर? 303 स्टाफ है, खाना बनाने वाले 5 है और एक वाटरमैन है, एक चौकीदार है, रात की ड्यूटी है। चौकीदार नहीं, जो शाम के 7 बजे आता है, एक शाम को 7 बजे तो दिन में कोई चौकीदारी की जरूरत आप वहीं रहते हो कि मैं सर वहीं रहती हूँ, मैं 10 बजे मेरे वहाँ से निकलती हूँ, सारे बच्चों को जो छठी से आती थी बच्चों को 9:30 बजे सुला के तो 10 बजे तक मैं वहीं रहती हूँ, 10 बजे फिर मेरे दोनों बच्चों को लेके फिर मैं मेरे घर जाती हूँ, क्योंकि वहाँ रहने की सुविधा नहीं है सर। हॉस्टल में कुछ रहने की अधीक्षिका अगर रहने की कोई रूल तो है हॉस्टल में रुकने का, आप जाके देख लो कंडीशन बच्चों की सोने की जगह नहीं, जो मेरा ऑफिस से बच्चे वहाँ सोते हैं। वहीं SDM अभिषेक गहलोत का कहना है कि यह पूरा मामला मेरे संज्ञान में आया है, मैं इसकी जांच करवा रहा हूं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ये दो बच्चियों जो है वहां पर बरूड़ खान है, बरूड़ खाने के पास में प्राप्त हुई थी, काम के पत्रकार बंधु हुई थी और वो उठाने ले गए थे, हम लोग मौके से जाकर हमने इस बात का परीक्षण किया तो सामने ये आया है कि बच्चियां खुद भी वहां पर रहना नहीं चाह रही थी और इस कारण से वो वहां से चली गई थी और चुपचाप बिना बताए चली गई। इस संबंध में जो है स्थानीय डीओ ने उनसे जांच करवा दी, जांच डीओ के बाद भी इस स्थिति में आएगी उसके अनुसार। सर मुकाय वारदात पे आप भी थाने पे पहुंच गए थे? हम भी उन पे गए थे यही परीक्षण करने के लिए कि प्राइम किसी फैक्ट्स पता चल सके कि क्या कारण था बच्चे। सर अधीक्षिका ने बताया है कि हॉस्टल के पीछे का बरामदा पूरी तरह से खुला हुआ है, कई बार शिकायत की गई है, ये करके सामने आया है कि मैंने खुद ने भी जाकर हॉस्टल में देखा है कि पीछे का पूरा जो टॉयलेट के पास का हिस्सा है वहां से पूरा खुला हुआ है तो उसको भी बंद करवाने के लिए आवश्यकता करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।